फिल्म रिडीमिंग लव माइकल नाम के एक किसान लड़के की कहानी के साथ स्टार्ट होती है, जो कि काफी ज्यादा धार्मिक है। हर दिन चर्च जाने वाले माइकल को ये उम्मीद होती है कि गॉड उसे शादी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की से मिलाएगा, जो कि उसी की तरह धार्मिक होगी। लेकिन माइकल के लिए गॉड का प्लान कुछ और ही होता है। एक दिन जब वो बाजार जाता है, तब उसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही माइकल को उससे प्यार हो जाता है। माइकल अपने एक दोस्त से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि इस लड़की का नाम एंजल है, जो कि शहर की सबसे मशहूर प्रोस्टिट्यूट है। ये सुनकर माइकल उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे एक ऐसी लड़की मिलेगी जो संस्कारी और धार्मिक हो, लेकिन यहाँ तो एक प्रोस्टिट्यूट से उसे प्यार हो जाता है। काफी सोचने के बाद माइकल इसे भी भगवान की मर्जी मानकर एंजल को अपना बनाने के मिशन में लग जाता है। माइकल अपने दोस्त से पूछता है कि वो एंजल को कैसे मिल सकता है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि एंजल इस शहर की सबसे खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट है, इसीलिए उसके साथ एक रात गुजारने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी होती है, और ये मौका सिर्फ उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एंजल का बचपन देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एंजल का रियल नेम सारा है। उसकी माँ एक साधारण महिला होती है, जिसका शहर के एक रईस इंसान के साथ नाजायज संबंध होता है। इसी नाजायज संबंध से सारा का जन्म होता है। क्योंकि सारा गलती से पैदा हो गई थी, इस वजह से उसका पिता उससे नफरत करता है। ये नाराजगी और नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि एक दिन सारा का पिता उसे और उसकी माँ को अपने घर से निकाल देता है। कमाई का कोई और रास्ता न होने के बाद सारा की माँ अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती है। अपना जिस्म बेचते बेचते सारा की माँ बुरी तरह बीमार पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस दुनिया में सारा का कोई नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर शहर का एक शख्स उसे अपने साथ रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच देता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। 8 साल की सारा अब बड़ी होकर टीनेज पर पहुंच चुकी होती है, और उसका नाम सारा से बदलकर एंजल रख दिया जाता है। अब हर शाम खूबसूरत एंजल की बोली लगती है, और जो शख्स सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसे एंजल के साथ रात गुजारने का मौका मिलता है। एक रात एंजल का पिता उसके साथ रात गुजारने आ जाता है। अनजाने में ही वो अपनी बेटी के साथ संबंध बना लेता है, और फिर जब उसे पता चलता है कि एंजल उसकी अपनी बेटी है, तब वो खुद को गोली मार लेता है। इस घटना के बाद एंजल भी उस जगह से भाग जाती है। एंजल वहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाती है, दूसरे शहर में जाने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिलती और खाने के पैसे भी नहीं होते, जिसके बाद वो फिर से जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एंजल खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है। उसी समय माइकल भी एंजल को देखता है। एंजल की खूबसूरती पर माइकल इस कदर फिदा हो जाता है कि वो अगले ही दिन 2 गुने पैसे देकर एंजल से मिलने उसके कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर माइकल एंजल से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एंजल हंसने लगती है और कहती है कि जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। लेकिन माइकल वो काम करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ एंजल का प्यार पाने आया है। एंजल को ये सारी बातें काफी अजीब लगती हैं, जिसके बाद वो माइकल को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले दिन फिर से माइकल एंजल के पास आता है और वो एंजल से कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन एंजल माइकल की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि एंजल अब तक जितने भी मर्दों से मिली है, उन सभी ने सिर्फ और सिर्फ एंजल के जिस्म का फायदा उठाया है। कुछ महीने बाद माइकल फिर से एंजल के पास जाता है। अपनी पुरानी बातें दोहराते हुए माइकल फिर से एंजल से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा और आज के बाद तुम्हें कभी अपना जिस्म बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजल को ये सारी बातें बकवास लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो तो बनाओ, और नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माइकल कहता है कि वो शादी से पहले उसके साथ संबंध नहीं बनाएगा। माइकल से पीछा छुड़ाने के लिए एंजल अंत में कह देती है कि तुम जैसा एक साधारण किसान कभी भी मेरा दिल नहीं जीत सकता,
ये सुनकर माइकल एंजल के फैसले का सम्मान करते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एंजल जिस्म फरोशी का धंधा छोड़ना चाहती है। इस बात से गुस्सा होकर उसका मालिक एक जल्लाद जैसे इंसान को बुलाकर एंजल को उसके पास भेज देता है, जो एंजल के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के साथ ही उसकी काफी ज्यादा पिटाई भी कर देता है। उसी रात माइकल को ये महसूस होता है कि एंजल की जान खतरे में है। अगले दिन ही एंजल के पास वो पहुंच जाता है। एंजल की हालत देख कर उसे काफी दुख होता है। माइकल एंजल को वहां से छुड़ाने के लिए अड्डे के मालिक को जरूरी पैसे देता है और एंजल को लेकर अपने गांव चला जाता है। अपने घर लाने के बाद माइकल एंजल की अच्छे से देखभाल करता है और कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। माइकल के इस प्यार को देखकर एंजल हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि माइकल जैसा अच्छा इंसान एक अच्छी लड़की डिजर्व करता है, ना कि उसके जैसी कोई प्रोस्टिट्यूट। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कुछ दिनों बाद माइकल के घर पर उसका भाई पॉल आता है। माइकल एंजल को अपनी पत्नी के रूप में पॉल से मिलवाता है। एंजल को यहाँ देखकर पॉल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एंजल एक प्रोस्टिट्यूट है। माइकल के घर से बाहर जाने के बाद पॉल एंजल को कहता है कि तुम माइकल के लायक नहीं हो, माइकल एक अच्छा इंसान है और तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। ये सारी बातें एंजल के मन में घूमती रहती हैं। उसे लगता है कि उसकी वजह से माइकल की जिंदगी खराब हो जाएगी, जिसके बाद वो पॉल के साथ शहर वापस लौट जाती है। पॉल के साथ शहर वापस लौटते समय रास्ते में पॉल एंजल के साथ संबंध भी बनाता है। जब माइकल को एंजल के शहर वापस जाने के बारे में पता चलता है, तब वो भागा भागा शहर पहुंचता है और वहां लोगों से लड़कर एंजल को वापस ले आता है। घर की ओर वापस आते समय रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है, जिनका तांगा खराब हो चुका था। माइकल उन लोगों को अपने घर लेकर आ जाता है। इस फैमिली में मिरियाम नाम की एक जवान लड़की भी होती है। इस लड़की को देखकर एंजल सोचती है कि माइकल को मिरियाम जैसी अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए। इस परिवार में एक गर्भवती महिला भी होती है। कुछ दिनों बाद ये महिला एक बच्चे को जन्म देती है। माइकल इस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार करता है। इसे देखते हुए एंजल अपने साथ हुई एक घटना को याद करती है, जब एंजल प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन इसके मालिक ने डॉक्टर को बुलाकर एंजल के साथ ऐसा काम करवा दिया कि वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एंजल को लगता है कि माइकल जो खुशी डिजर्व करता है, वो उसे सिर्फ मिरियाम ही दे सकती है। ये सोचकर एंजल मिरियाम के नाम एक खत लिखकर माइकल का घर छोड़कर शहर लौट जाती है। इस खत के साथ एंजल एक रिंग छोड़कर जाती है और मिरियाम को माइकल से शादी करने को कहती है। मिरियाम जैसे ही ये खत देखती है, वो तुरंत ही माइकल से कहती है कि वो जाकर एंजल को ढूंढे, लेकिन इस बार माइकल कहता है कि अगर एंजल उससे सच में प्यार करती है तो इस बार वो खुद लौट कर आएगी। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। माइकल अभी भी एंजल की यादों में जी रहा है। नेक्स्ट सीन में पॉल एक शहर से गुजर रहा होता है, तभी वो एंजल को एक स्कूल में देखता है। दरअसल एंजल अब जिस्म फरोशी का धंधा छोड़ इस धंधे में फंसी लड़कियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने का काम शुरू कर चुकी होती है। एंजल को देखकर पॉल उससे माफी मांगता है और माइकल के पास ले जाने को कहता है, जिस पर एंजल कहती है कि माइकल मिरियाम के साथ रहना डिजर्व करता है। यह सुनकर पॉल कहता है कि मिरियाम की शादी मेरे साथ हो चुकी है और माइकल अभी भी तुम्हारे प्यार में जी रहा है। ये बात सुनकर एंजल हैरान रह जाती है और फिर वो माइकल के पास वापस जाने का फैसला करती है। माइकल के पास जाने के बाद एंजल उसे बताती है कि वो आज भी उससे बेहद प्यार करती है। लंबी जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर अंत में हमें माइकल और एंजल के साथ एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है, जो कि इन दोनों का ही होता है। फिल्म रिडीमिंग लव का यही पर दी एंड होता है। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को